Assalamu alaikum, my name is Adil Asif and today I'm here just to tell you the difference between listen and hear. The difference is quite clear. Like if you perceive something consciously, it means that you are listening something. And when you are perceiving something unconsciously, it means that you are hearing something. For example, कि मैं एक बाज़ार से गुज़र रहा हूँ और गुज़रते हुए मैं बहुत सारी आवाज़ों को सुनता हूँ, मेरे कान में आवाज़ आती है लेकिन मेरा उनकी तरफ ध्यान नहीं है, तो इसका मतलब है कि आई एम हेयरिंग दी साउंड्स। लेकिन अगर मैं मिसाल के तौर पे अगर मैं उसी मार्केट में रुकता हूँ किसी जगह पे, कोई मुझे साउंड आती है, कोई मुझे ऐसी आवाज़ सुनाई देती है कि मैं उसको सुनने पर मजबूर होता हूँ, मैं उसको बड़े केयरफुली उसको सुनता हूँ, बड़ी अटेंटिवली सुनता हूँ, इसका मतलब है कि आई एम लिसनिंग दी साउंड्स और दैट साउंड। इसी की मिसाल आप एक क्लासरूम में भी ले सकते हैं कि जिस तरह एक टीचर क्लास में जब लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है, अगर स्टूडेंट्स उस टीचर का लेक्चर बड़े गौर से सुन रहे हों तो इसका मतलब है कि दे आर लिसनिंग टू हिम। लेकिन अगर टीचर जो है लेक्चर डिलीवर कर रहा है लेकिन कुछ बच्चे सुन रहे हैं, कुछ बच्चे अपने अपने ध्यान में बस भटके हुए हैं, वो अपना होमवर्क कर रहे हैं या उस टीचर को सुन नहीं रहे, बस उनकी अनकॉन्शियसली जो है वो उनके कानों में आवाज़ पड़ रही है, तो इसका मतलब है दे आर हेयरिंग टू देयर टीचर। अब इस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अभी ही एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि अभी मैं जैसा कि आपको लिसन और हेयर के दरमियान डिफरेंस बता रहा हूँ, अगर आप मेरी बात को बड़े गौर से और अटेंटिवली सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि यू आर लिसनिंग टू मी। लेकिन अगर आप मेरी बात गौर से नहीं सुनते, अब जस्ट मेरी वीडियो जो है वो अपनी स्क्रीन पर प्ले करके एक साइड पर रख देते हैं और अपने काम काज करने शुरू कर देते हैं और आपका ध्यान उन कामों में है लेकिन मेरी वीडियो की वॉइस पर नहीं है, तो इसका मतलब है यू आर हेयरिंग टू मी। तो इस तरीके से ये इन दोनों में डिफरेंस है। मुझे उम्मीद है कि आपको इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी ना समझ आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइए, तो इंशाल्लाह मैं आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर कर दूंगा। इसी तरह मेरा चैनल लर्न इंग्लिश विद अदील आसिफ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।